पहाड़ों पर जाने पर गाड़ी की पावर कम क्यों हो जाती है? जब आप अपनी गाड़ी को पहाड़ों पर लेके जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि आपकी गाड़ी में अक्सर आती हैं? इन समस्याओं के पीछे क्या कारण रहता है, क्या लॉजिक है, कैसे इन समस्याओं का समाधान करें, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहाड़ों से मेरा मतलब इस वीडियो में ये है कि आप समुद्र तल से कितनी ज्यादा ऊंचाई पे अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं, उससे मेरा मतलब है। कई बार ऐसा होता है कि समतल एरिया में थोड़ी बहुत ऊंचाई पर पहाड़ी होती है, ऐसा हो सकता है कि ऊंचाई कम होने के कारण आपके वहां पे ये समस्या आपको इतनी जल्दी फील ना होती हो, लेकिन समस्या तो जरूर होती है। लेकिन जब आप ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, मान लीजिए कि 5-6 हजार फीट से ज्यादा अगर आप ऊंचाई पे लेके जाएंगे गाड़ी को, तब ये समस्याएं जो है आपको क्लियर समझ में आएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं आती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि समस्याओं की, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी आती है जब आप गाड़ी को पहाड़ों पे चलाते हैं। तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो आती है स्पार्क प्लग की। आप देखोगे कि गाड़ी जब आप पहाड़ों पे चलाते हो तो आपका स्पार्क प्लग बहुत जल्दी जल्दी खराब होता है। आप सही से गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ब्रेकफास्ट के लिए किसी रेस्टोरेंट पे रुके, ब्रेकफास्ट किया, गाड़ी को स्टार्ट करने गए, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आप मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास स्पेयर में अलग से स्पार्क प्लग है, आप स्पार्क प्लग चेंज करोगे तो आपकी गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी समस्या जो आती है वो आती है कि आपका इंजन बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत ज्यादा गर्म रन करता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो वहां पे बहुत ज्यादा चढ़ाई होती है, चढ़ाई का वो फैक्टर हम कंसिडर नहीं कर रहे, चढ़ाई तो होती है, चढ़ाई तो आप नीचे भी अगर उतनी चढ़ाई पे चढ़ाओगे तब उतना गर्म नहीं होता है। मैं इस वीडियो में चढ़ाई का फैक्टर कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसिडर ये कर रहा हूँ कि अगर सेम चढ़ाई नीचे भी चढ़ती है और ऊपर भी चढ़ती है तब क्या फर्क आता है। तो दूसरा जो समस्या आती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो कर रहे थे कि गाड़ी आपकी बहुत जल्दी गर्म होती है, क्यों होती है? तो इसका हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे उसके क्या कारण रहते हैं इन सारी समस्याओं के। लेकिन अभी ये जान लेते हैं कि इससे कैसे बचे। तो देखिए, आप जब भी पहाड़ों पर गाड़ी को लेके जाए तो आप अच्छी क्वालिटी का कूलेंट अपनी गाड़ी में डाले और पर्याप्त मात्रा में डाले, अच्छे से उसका मिक्सर बनाए और पर्याप्त मात्रा में आपकी गाड़ी में कूलेंट होना चाहिए। दूसरा, आपके जो रेडिएटर के पास फैन है उस पर एक बेल्ट होती है, इंजन से इंजन जो उसको घुमाता है, तो वो बेल्ट आपकी सही टाइट होनी चाहिए। अगर आपकी बेल्ट लूज होगी तो आवाज भी करेगी और आपके फैन की स्पीड भी कम होगी क्योंकि बेल्ट स्लिप कर सकती है। तीसरा आपको ये करना चाहिए कि आपको अगर आपने अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करा है, कोई सामने अपनी गाड़ी के बम्फर लगाया है या कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करा है जिससे कि आपके रेडिएटर पे पड़ने वाली सामने से जो हवा पड़ती है वो अगर सही से नहीं पड़ रही है, तो आप उस मॉडिफिकेशन को हटा ले या ऐसा रास्ता जो है आपका रेडिएटर पे हवा पड़ने का जो रास्ता है वो आप पूरा क्लियर रखें। रेडिएटर पे पड़ने वाली सामने से पड़ने वाली हवा अगर बाधित होगी तो आपकी गाड़ी ज्यादा, एक तो पहाड़ों की वजह से ज्यादा गर्म होगी और दूसरा इस वजह से, तो ये आपकी गाड़ी के लिए सही नहीं है। तीसरी समस्या जो आपके गाड़ी में आती है वो ये आती है कि गाड़ी आपकी काला धुआं ज्यादा फेंकती है। ऐसा इसलिए नहीं कि चढ़ाई होती है, उसका दूसरा कारण रहता है। आपको लगेगा कई बार कि गाड़ी पूरा कच्चा धुआं मार रही है, पूरा काला धुआं मार रही है, बहुत ज्यादा धुआं मार रही है, आप कई बार घबरा जाते हैं कि गाड़ी का इंजन जो है वो सीज होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला होता। अगर आपकी गाड़ी ज्यादा गर्म होती है तो आप ये कर सकते हैं कि गाड़ी को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका इंजन सीज होने वाला होता है। इसका दूसरा कारण रहता है जिसकी वजह से काला धुआं मारती है या कच्चा धुआं मारती है गाड़ी, और जैसे ही आप गाड़ी को नीचे लेके आएंगे तो आपकी गाड़ी फिर तुरंत ठीक हो जाती है। डीजल इंजन में खास करके देखने को मिलता है कि काला धुआं और कच्चा धुआं आपकी गाड़ी मारने लगती है जब आप पहाड़ों पे गाड़ी को लेके जाते हैं। चौथी समस्या क्या आती है कि आपको अपनी गाड़ी का पावर, पिकअप सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी में दम ही नहीं है, आपकी पावर भी कम महसूस होगी, पिकअप भी कम महसूस होगी, आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस ओवरऑल वो कम हो जाता है। तो इन सब समस्याओं के पीछे कारण क्या रहता है ये जान लेते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कारण जानना कि इसके पीछे कारण क्या रहता है। तो देखिए, इन सब चीजों के पीछे कारण रहता है एयर डेंसिटी, हवा की डेंसिटी। अब ये हवा की डेंसिटी क्या चीज होती है ये समझ लेते हैं। डेंसिटी का मतलब है कि हवा कितनी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है मतलब हवा ज्यादा है, डेंसिटी कम है मतलब हवा कम है, हवा के पार्टिकल जो है वो दूर दूर है अगर डेंसिटी कम है तो। डेंसिटी ज्यादा है तो मतलब हवा के पार्टिकल नजदीक नजदीक है और बहुत ज्यादा है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक बस है, एक बस में आप अगर 30 यात्री बैठा देंगे तो वो अलग अलग सीधे सीधे अलग अलग खड़े होंगे, सीधे सीधे खड़े होंगे। उसी में अगर आप 70 आदमी घुसा देंगे तो पूरा घिचमिच के खड़े होंगे, नजदीक नजदीक खड़े होंगे। तो जब 70 आदमी रहते हैं तो एयर डेंसिटी आप ये समझ लीजिए कि ज्यादा है,
और जब 30 आदमी रहते हैं तो ये मान लीजिए कि आप एक डेंसिटी कम है, ये होता है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, तो आपकी एयर डेंसिटी कम होती है। अब एयर डेंसिटी कम होने से क्या होता है, देखिए आपका इंजन जो एयर को खींचता है, हवा को खींचता है, वो तो उतनी ही पावर से खींचता है जितनी कि वो नीचे समतल पे खींच रहा होता है। लेकिन क्योंकि हवा की डेंसिटी कम होती है तो कम हवा आपके सिलेंडर के अंदर जाती है, और जब आपके सिलेंडर के अंदर कम हवा जाएगी, और डीजल और पेट्रोल तो आपका इंजन उतना ही देगा जितना कि पहले दे रहा था, और एयर की डेंसिटी आपकी हो गई कम, हवा कम हो गई, डीजल पेट्रोल उतना ही है, तो इसमें क्या होगा, ये जो मिक्सचर बनेगा हवा का और डीजल पेट्रोल का, इसमें आपका फ्यूल डीजल ज्यादा हो जाएगा और हवा कम हो जाएगी, तो इससे इसको हम कहते हैं रिच मिक्सचर। अब इस रिच मिक्सचर बनने के क्या नुकसान है, तो देखिए हवा कम होने के कारण आपका एक तो सारा जो डीजल है वो जल नहीं पाएगा। अब जब सारा डीजल जल नहीं पाएगा तो कुछ अध जला जो डीजल है वो बाहर निकलेगा, आपका काला धुआं आपको लगेगा, या आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गाड़ी काला धुआं मार रही है। तो ये तो हो गया, ये आपका पहली ये वाली समस्या कि आपकी गाड़ी काला धुआं क्यों मारती है, अध जला धुआं क्यों मारती है। अब दूसरी बात आती है कि गाड़ी गर्म क्यों होती है, तो देखिए जब आपके सिलेंडर के अंदर रिच मिक्सचर बनेगा तो इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी का तापमान जो है वो ज्यादा होगा। मतलब मान लीजिए कि सिलेंडर के अंदर पहले आप 800 डिग्री टेम्परेचर बनता था, अब वो 1200 बनेगा, तो इस वजह से जो है आपकी गाड़ी का तापमान बढ़ जाता है, इससे आपका गाड़ी जो है ज्यादा गर्म होती है, आपका इंजन जो है ज्यादा गर्म रन करता है। ये हो गया इस समस्या का कारण। अब बात आती है तीसरी समस्या की, तो देखिए जैसे ही तापमान आपका ज्यादा होता है आपके सिलेंडर के अंदर, तो आपका जो स्पार्क प्लग है, आपको पता है स्पार्क प्लग आपके कंबशन चैंबर के अंदर उसका टिप रहता है, तो ये तापमान आपके स्पार्क प्लग को झेलना पड़ता है। तो ज्यादा तापमान होने के कारण, ज्यादा गर्मी होने के कारण आपका स्पार्क प्लग जल्दी जल्दी खराब होता है, ये इसका कारण होता है जल्दी जल्दी स्पार्क खराब होने के कारण। अब बात आते हैं कि पावर क्यों कम हो जाती है, तो देखिए जैसे ही आप पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं, एक तो आपने समझ लिया कि हवा की डेंसिटी कम होती है, दूसरा एक चीज और होती है कि आपकी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब आप नीचे समतल पे होते हैं तो आप जानते हैं 20-21% के आसपास आपकी हवा में ऑक्सीजन रहती है, और जब आप ऊपर जाते हैं तो ये ऑक्सीजन की मात्रा 20-21% से भी घट जाती है। तो देखिए एक तो हवा ही कम है, हवा की डेंसिटी, ऊपर से हवा में ऑक्सीजन भी कम है, और आपको यहाँ पे ये बात भी जानना जरूरी है कि आपके जो डीजल पेट्रोल होता है उसके जलने के लिए आपकी हवा में जो ये 20-22% जो ऑक्सीजन होती है ये ही सहायता करती है, ये ही जरूरी होती है, बाकी 80% का कोई खास मतलब नहीं होता है। सिर्फ ये 20% या 21% जो ऑक्सीजन होती है ये ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और ये ही सहायता करती है डीजल या पेट्रोल को जलने के लिए। तो जब आप ऊपर पहाड़ी पर लेके जाते हैं अपनी गाड़ी को, तो हवा कम होती है और हवा में ऑक्सीजन भी कम होती है, तो इन दो कारणों की वजह से आपका जो डीजल पेट्रोल है वो अच्छे से जल नहीं पाता है। अच्छे से नहीं जलेगा तो अच्छे से एग्जॉस्ट गैस नहीं बनेगी और पिस्टन को ज्यादा पावर से वो नीचे नहीं दबाएगा, तो पिस्टन को नीचे अच्छे से नहीं दबाएगा तो आपकी गाड़ी में पावर नहीं रहेगी। ये कारण होता है कि पावर में कमी क्यों आती है। अब पावर की बात चली रही है तो ये भी देख लेते हैं कि कितनी पावर में कमी आती है। तो देखिए स्टडी ये कहती है कि जब आप पहाड़ों पर गाड़ी को लेकर जाते हैं तो 1000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर, आप नीचे हो जिस लेवल पे आप रन कर रहे हो वहां से अगर आप 1000 फीट की ऊंचाई पर जब गाड़ी को सेम कंडीशन में रन करेंगे तो आपकी गाड़ी की पावर जो है वो 3% कम हो जाएगी। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी के इंजन की पावर 100 एचपी का पावर का इंजन है, तो जब आप 1000 फीट ऊपर चले जाओगे इस गाड़ी को लेके तो यही गाड़ी की पावर आपकी 97 एचपी रह जाएगी। अब मान लीजिए कि आप इसी गाड़ी को अगर लेह में लेके चले गए जो कि 10000 फीट की ऊंचाई पे है, तब इसी 100 एचपी की पावर वाला जो इंजन है इसकी पावर घट के 70 एचपी रह जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अपने इंडिया में, अपने भारत में सबसे ज्यादा जो मोटरेबल रोड है, ऐसी रोड है जहां पे की गाड़ी चल सकती है, वो लद्दाख में है और उसकी ऊंचाई 18000 फीट से भी ज्यादा की है। तो आप मान के चलिए कि अगर 100 एचपी के इंजन को गाड़ी को आप वहां पे लेके जाते हो 18000 फीट की ऊंचाई पे, तो उसकी पावर 3% घटा लीजिए आप, 54 एचपी उसकी कम हो जाएगी। मतलब 100 एचपी की गाड़ी थी आपकी और उसकी पावर वहां पे रह जाएगी 46 एचपी, आधे से भी कम पावर उसकी रह जाएगी। और यही अगर आप 50 एचपी की गाड़ी ऊपर लेके जाओगे तो मान लीजिए कि आपकी 23-24 एचपी आपकी गाड़ी रह जाएगी, आधे से भी ज्यादा कम हो जाएगी आपकी गाड़ी की पावर अगर आप 18000 फीट की ऊंचाई पे गाड़ी को लेके जाओगे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, निष्कर्ष की, निचोड़ की। तो देखिए निष्कर्ष यही है कि जब आपको गाड़ी ऊपर पहाड़ों पे लेके जाना रहता है तो आप हवा की डेंसिटी नहीं बढ़ा सकते, आप हवा में ऑक्सीजन भी नहीं बढ़ा सकते। आप क्या कर सकते हो, आप कुछ टिप्स है जो आप ध्यान में रखोगे, कुछ ऐसी सेटिंग है जो आप करके जाओगे
तो आपको इन समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। एक तो जब आप अपनी गाड़ी को ऊपर लेके जाते हो तो आपने स्पार्क प्लग को चेंज करा के लेके जाए नीचे से ही, और ऊपर से साथ में एक दो स्पार्क प्लग आप एक्स्ट्रा भी लेके जाए ताकि खराब हो तो आप चेंज कर सकें। दूसरा ये है कि आप अपनी कार्बोरेटर की सेटिंग ऐसे करके जाए जिससे कि आपका आइडलिंग आरपीएम जो है वो ज्यादा रहे, क्योंकि पहाड़ों पर ठंडी भी होती है और हवा भी कम होती है, तो इससे आपका इंजन बार बार बंद नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज और छूट गई जो कि है टर्बो इंजन वाली गाड़ी। टर्बो इंजन कैसा परफॉर्म करता है जब आप टर्बो इंजन वाली गाड़ी को पहाड़ों पे लेके जाते हैं? तो आप सब जानते हैं कि टर्बो का काम होता है कि आपके इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर ज्यादा हवा को भेजना। तो कुछ हद तक नॉर्मल वाले इंजन की अपेक्षा टर्बो वाले इंजन में ये समस्या कम आती है, क्योंकि उसमें अलग से टर्बो लगा है, वो ज्यादा हवा आपके इंजन के अंदर भेजता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टर्बो इंजन वाली गाड़ियों में ये समस्या आपको फील नहीं होगी। फील तो होंगी, लेकिन दूसरे की अपेक्षा थोड़ा कम फील होगी। ये रहता है टर्बो इंजन का परफॉर्मेंस आपके पहाड़ों के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जब आप गाड़ी को पहाड़ों पे लेके जाते हैं तो कौन कौन सी समस्या आती है, समस्या आने के पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, क्यों आती है, और कैसे इन समस्याओं को आप कम कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी व्यूज हो, कोई भी बात हो, वो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।